नमस्कार, आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। सेल ने पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले दूसरी तिमाही के विक्रय में 31% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। अर्धवार्षिक विक्रय कोविड के पहले के समय के स्तर पर लौटा। और सीईओ श्री दीपक चटराज ने आरएसपी कर्मी समूह से कहा, आइए बाजार में आरएसपी की छवि को और भी बेहतर बनाएं। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा 9 अक्टूबर को ओडिशा के यशस्वी पुत्र उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आम बागान चौक सेक्टर 19 स्थित गोपबंधु प्रतिमा के पास कोविड 19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक साधारण समारोह आयोजित किया गया। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी के दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री अजय कुमार नायक, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बी के भोता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्कल मणि की प्रतिमा पर पुष्प देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वंदे उत्कल जननी के मधुर स्वर से आसपास के वातावरण को जीवंत कर दिया गया था। नई दिल्ली 8 अक्टूबर 2020 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के दौरान वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के मुकाबले 31.3% की बेहतरीन वृद्धि दर्ज की है। कोविड 19 2019 के लॉकडाउन के बाद कंपनी ने बेहतरीन विक्रय दर्ज किया है, जिसकी शुरुआत जून 2020 से ही हो गई थी। इसके साथ ही कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान विक्रय के स्तर को कोविड से पहले की स्थिति में वापस लाने में सफलता हासिल की। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले विक्रय इस्पात के उत्पादन में भी कंपनी ने 5.2% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी द्वारा मार्केटिंग के रणनीति प्रयासों और ग्राहक केंद्रित पहलों के साथ पूरी कंपनी द्वारा एकजुटता के साथ काम करने का नतीजा है कि कंपनी के विक्रय और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, कोविड 19 के दौरान की चुनौतियों ने न केवल हमें मुश्किलों का सामना करने की हमारी इच्छा शक्ति को परखने का मौका दिया, बल्कि हमें और अधिक इच्छा उत्पादन करने का निश्चय भी दिया। हमारी केंद्रित मार्केटिंग रणनीतियों ने हमें बाजार में मौजूद हर एक अवसर का लाभ उठाने में मदद की। इसके अलावा सभी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के चलते घरेलू स्टील की मांग बढ़ रही है। यह खुशी की बात है कि कंपनी अपने उत्पादन के पिछले स्तर पर लौट आई है और अब उत्पादन तथा विक्री को और अधिक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्चुअल मोड को 8 अक्टूबर को आयोजित उत्पादन समीक्षा को संबोधित करते हुए राउरकेला स्टील प्लांट के सीईओ श्री दीपक चटराज ने आरएसपी कर्मी समूह से कहा, आइए बाजार में आरएसपी की छवि को और भी बेहतर बनाएं। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी के दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र, निदेशक MNHS डॉक्टर बी के होता, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजेंद्र मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। सीईओ ने विभिन्न विभागों जैसे प्लांट ब्लास्ट फर्नेस, कैप्टिव पावर प्लांट, कोक ओवन, सिंटरिंग प्लांट, स्पेशल प्लेट प्लांट, न्यू प्लेट मिल और हॉट स्ट्रिप मिल के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने अपने सर्वोत्तम प्रयासों से सितंबर 2020 में कई क्षेत्रों में
एबीपी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्मी समूह को बधाई दी। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चट्टराज ने उचित अकाउंटिंग और संयंत्र की सभी परिसंपत्तियों को ध्यान में रखने पर जोर दिया। उन्होंने तकनीकी आर्थिक मापदंडों जैसे कोक रेट, विशिष्ट बिजली की खपत आदि में सुधार, गुणवत्ता मानकों पर सुधार और कम लागत पर गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इन्वेंट्री को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सीईओ ने आरएसपी कर्मी समूह से न केवल निष्पादन की बढ़ी हुई गति को बढ़ाए रखने के बल्कि उत्पादन के मोर्चे में नए रिकॉर्ड बनाने का भी आग्रह किया। श्री चट्टराज ने लागत अनुकूलन, लाभप्रदता और व्यय नियंत्रण जैसे पहलुओं पर भी जोर दिया। श्री पी के दास ने कर्मी समूह से बाजार में मौजूदा अवसरों का सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने संयंत्र के अंदर उचित सड़क सुरक्षा को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री राजवीर सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी निवारक उपाय अपनाने पर जोर दिया। श्री डी के महापात्र ने इन्वेंट्री को कम करने की अनिवार्यता पर जोर दिया। श्री पंकज कुमार ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। वित्त सामग्री प्रबंधन विपणन PPC परियोजना SMS 2 TNRM और नगर के विभागों द्वारा अक्टूबर 2020 महीने में लाभ अधिकतमकरण और दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर प्रस्तुतीकरण किया गया। श्री राजेंद्र मिश्रा ने कोविड-19 की स्थिति, तैयारियों और इससे निपटने की रणनीति के संबंध में जानकारी दी। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।